ठीक है, कल हमने कुछ स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा था। स्प्रिंग्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने दो टाइप के स्प्रिंग्स पढ़ी थी, एक आपकी टॉर्शनल स्प्रिंग थी, एक आपकी बेंडिंग स्प्रिंग थी। तो अभी मैंने क्या करा है, बेंडिंग स्प्रिंग्स है। बेंडिंग स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? लेमिनेटेड स्प्रिंग या लीफ स्प्रिंग्स जो हमने ट्रक में यूज करी थी। मैंने उसका एक एग्जाम्पल लेकर रखा हुआ है, इससे लिया हुआ है अ लीफ स्प्रिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेंडिंग स्प्रिंग्स को हम लेमिनेटेड भी बोलते हैं और लीफ भी बोलते हैं। लीफ मतलब पत्तियां या पत्ते जैसे समथिंग जो होता है, ठीक है। कैरीज अ सेंट्रल लोड ऑफ 300 न्यूटन। इसने बोला कि भाई कुछ इस टाइप से आपकी लेमिनेटेड स्प्रिंग है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान से देखना, ठीक है। कन्वेंशनल के आधे बड़े नहीं है टॉपिक ये वाला आपका, कन्वेंशनल में बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा इसको, आप पढ़ के जाओ। बाकी मैं तो आपको सब पढ़ाऊंगा, आप देख लेना, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये कन्वेंशनल ये बड़े नहीं है, ठीक है। अ लीफ स्प्रिंग कैरीज अ सेंट्रल लोड ऑफ 300 न्यूटन। इसने बोला है कि भाई यहां पर एक 300 न्यूटन का 3000 न्यूटन का एक लोड लगा हुआ है, मेड ऑफ 10 स्टील प्लेट्स। अब देखो स्टील प्लेट्स कितनी है, अभी मैंने तीन बनाई हुई है, बट स्टील प्लेट्स कितनी है आपकी? 10 है भाई। कितनी स्टील प्लेट्स है आपकी? 10। 5 सेंटीमीटर वाइड। अब मैंने आपसे कहा था कि हर एक स्टील प्लेट जो है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन की बनती है, और अगर मैं इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन देखूं तो कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर होगा, हर एक प्लेट का सेम होता है। और इसे देख रखा है भाई, इसकी जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो डेप्थ है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की विड्थ है, थिकनेस मतलब इसकी डेप्थ 6 सेंटीमीटर है, 6 mm है, 6 mm, ठीक है, 6 mm विड्थ है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस है इसकी 6 mm। इफ द बेंडिंग स्ट्रेस इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसने आपको बेंडिंग स्ट्रेस देके रखा हुआ है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इसने आपसे पूछा कि भाई लेंथ ऑफ स्प्रिंग फाइंड करो, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग फाइंड करो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसने क्या क्या हमको दिया हुआ है। एक तो इसने आपको लोड दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लोड को हम ले लेंगे डब्ल्यू, ले लेते हैं लोड कितना देख रखा है इसने आपको। डब्ल्यू है आपके पास 3000 न्यूटन। डब्ल्यू आपके पास कितना है? 3000 न्यूटन। उसके बाद इसने आपसे बोला है बेंडिंग स्ट्रेस देख रखा है, नंबर ऑफ प्लेट्स देख रखी है। सबसे पहले तो इसने आपसे लेंथ ऑफ स्प्रिंग पूछी है। अब लेंथ ऑफ स्प्रिंग किस फॉर्मूले में आती है? अगर आपको याद हो तो कल हमने इसका बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला निकाला था, और बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था आपका? सिग्मा बी 3 WL/2 NBT2। कल ये फॉर्मूला मैंने आपको लाकर दिखाया था कि लेमिनेटेड स्प्रिंग में जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 WL/2 NBT2। W क्या है? ये लोड है आपका W। L क्या है? ये वाली लेंथ, और यही हमको भी फाइंड करनी है। इसने पूछा है कि ये जो आपकी लेमिनेटेड स्प्रिंग की लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये लेंथ इसने आपसे पूछी हुई है कि कितनी आएगी है, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ प्लेट्स, भाई कितनी प्लेट लगाई हुई इसने? इसने आपकी 10 प्लेट्स लगाई हुई है, ठीक है। B क्या है? B है आपकी ये विड्थ, हर एक प्लेट की विड्थ सेम है, इसकी विड्थ कितनी है आपका? 5 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस कितनी है? 6 mm। तो एक काम करते हैं, इसने आपको बेंडिंग स्ट्रेस भी देके रखा हुआ है, तो बेंडिंग स्ट्रेस देके रखा हुआ है तो इसको हम काम करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस के लिए सीखे फुट कर लेंगे, सब कुछ हमारे पास नोन है, ओनली हमको लेंथ फाइंड करनी है। बहुत ही ज्यादा इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो बेंड बस इसमें थोड़ा यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना। तो दैट मींस आपका बेंडिंग स्ट्रेस कितना देके रखा है? 150 इज इक्वल्स टू 3, लोड आप इसमें ले रहे हो न्यूटन में 3000, ठीक है। लेंथ जो भी आएगी हम देख लेंगे, 2। नंबर ऑफ प्लेट्स कितना आपका? 10। अब देखो आपने बेंडिंग स्ट्रेस किससे पुट करा है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो अब जितनी भी विड्थ या थिकनेस होगी वो आपको एमएम में पुट करनी पड़ेगी। अब बात कर रहा हूं बी की, बी कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं एमएम में कन्वर्ट करूंगा तो 5 × 10 आपको करना पड़ेगा, इंटू 5 × 10 दैट मींस 50 आपने एमएम में कन्वर्ट कर लिया, और थिकनेस तो ऑलरेडी एमएम में देकर रखी हुई है, तो 6 का स्क्वायर। तो यहां से आपकी जो भी लेंथ आएगी वो एमएम में आएगी। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट मींस 150 इंटू ये 20 हो गया, ठीक है, 1000 × 36, ठीक है, और ये आपका हो गया 3 × 3000, ये रहा आपका। तो जो भी आपकी लेंथ आएगी वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो भी आपकी लेंथ आएगी 150 मल्टीप्लाई बाय 1000
मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 9000, तो आपकी 600 mm क्या आ चुकी है, आपकी आपकी 600 mm लेंथ आ चुकी है। और आप मीटर्स में चाहो तो इसको लिख सकते हो, और लेंथ इज इक्वल्स टू 0.6 मीटर्स। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन है, बट अभी हमें इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग भी फाइंड करना है। अभी मत सोचना कि आपने सब कुछ फाइंड कर लिया, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो आप इसको लिख लो एक बार, ठीक है। तो हमारा ये बेंडिंग स्ट्रेस यूज करके आपने इसकी लेंथ फाइंड कर ली। अब अगर आपको याद हो तो कल इस स्प्रिंग का हमने सेंट्रल डिफ्लेक्शन भी फाइंड करा था, और वो सेंट्रल डिफ्लेक्शन लेमिनेटेड स्प्रिंग का, सेंट्रल डिफ्लेक्शन का मतलब है, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये रहा स्प्रिंग, तो यहां से लेके ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डिफ्लेक्शन। कि भाई सपोर्ट से जो ऊपर वाली है की लीफ या फिर प्लेट, उसकी यहां तक का डिफ्लेक्शन कितना है। तो आपको इसका सिंपल से फॉर्मूला अगर हमने पढ़ा था, दैट मीन्स इसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, एक सेकेंड, इसका आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा एल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ई इंटू टी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब अल्फा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, एल क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ई क्या है आपका, सॉरी ई तो उसमें आपको इसने देके रखा है क्या क्वेश्चन में, एक सेकेंड, ई हमारे पास मेरे को तो क्वेश्चन इसने देख रखा है क्या, हाँ स्टील प्लेट है ना, हाँ इसने ई आपको लेके रखा हुआ है, इसको ई लिख लो, 2 × 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कितना, 2 × 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी और थिकनेस ऑफ ये मेंबर, जो भी हर एक प्लेट की थिकनेस कितनी है, सिंपल सी बात है। तो अल्फा डायरेक्ट पुट कर रहे हैं इसको, अल्फा कितना है, डिफ्लेक्शन डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, अल्फा आपका देखा रखा है 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, पुट कर दो 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में पुट कर रहे हैं। अब लेंथ कितनी आई थी आपकी, लेंथ आई थी आपकी 600 mm, कितनी आई थी 600 mm, तो मैं एमएम में पुट करूंगा, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस है उसको मैंने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में पुट करा हुआ है, दैट मींस 600 mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इंटू 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सब कुछ न्यूटन और एमएम में पुट कर रहा हूं मैं, और थिकनेस कितनी है आपकी, थिकनेस की आपकी 6 mm, 6 mm, ठीक है। तो सो सॉल्व कर लेते हैं, आपका डिफ्लेक्शन जो भी आएगा वो mm में आ जाएगा, दैट मींस 150 मल्टीप्लाई बाय 600 इनटू 600 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 11.25 आ रहा है, मैं आपको चेक करूंगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 600 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 10 1 2 3 4 5, 11.25 mm आपका जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आ रहा है 11.25 mm, लिख लो इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं उसके लिए, कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, आप इस जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तो ओनली फॉर्मूला पर आप इसको फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अ क्लोज कॉइल, पिछले वाला जो था आपका, पिछले वाला केस हमने लेमिनेटेड स्प्रिंग का लिया था, लेमिनेटेड मतलब जो आपके ट्रक में यूज होती है, और उसमें हमने डिफ्लेक्शन फाइंड करा था। हाँ, बट आप एक चीज पर कंफ्यूज मत होना, आपको जो मैंने डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, 3WL³ / 8ENBT³ ये वाला लिखा है आपको, पर आप बोलोगे सर आपने अभी डॉलर लिखा है ना, दैट मींस और डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू अल्फा के केस में लिखा है, तो ये जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है ना, ये वाली, ये बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप समझो, पिछला केस जो मैंने यूज करा है उस केस में मैंने बेंडिंग स्ट्रेस अलग से, देखो इसमें कहीं पर भी आपको बेंडिंग स्ट्रेस दिख रहा है, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस मैंने रिमूव करा हुआ है कहां से, m / i इज इक्वल टू सिग्मा v / y, इस जगह से जब आप जो मैंने पहले आपको इक्वेशन कराई है उसमें जब आप बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू ये m / y / i रख दोगे तो आपको ये वाला फार्मूला मिल जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले दोनों हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं आपका क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का। अभी तक हमने क्लोज कॉइल में, आज आपको ओपन कॉइल भी बताऊंगा, ओपन कॉइल में क्या होता है, बेंडिंग और शियर दोनों होता है।
A closed coiled helical spring of mean diameter 80 mm. A closed coiled helical spring of mean diameter 80 mm. देखो ये भी आपकी closed coiled helical spring, ठीक है? अब ध्यान से देखना यार, इस क्लोज कॉइल की मीन डायमीटर, ये जो इसकी मीन डायमीटर ना, ये इसने आपको 80 mm देके रखा हुआ है. क्या देके रखा हुआ है? 80 mm. इज मेड ऑफ हाई टेंसाइल रॉड. भाई बना हुआ है किससे? हाई टेंसाइल रॉड ऑफ 10 mm. किससे? अब ये जो मैंने कल आपको चीज बताई थी, दैट मींस ये जो है आपका कैपिटल आर, ये हो गया आपका 80 mm, ठीक है भाई. इसकी मीन डायमीटर आपकी 80 है, सॉरी तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 40 mm. क्या होगी आपकी? 40 mm. वहीं पर इसने आपको ये बोला हुआ है कि ये किससे बनी हुई है भाई. ये जो वायर आपको बना हुआ है, ये वायर आपका सर्कुलर होगा. इस सर्कुलर वायर की जो आपको इसने टाइम इज मेड ऑफ 10 mm. एक सेकंड, 10 mm मेरे को देखो तो क्या है. 10 mm डायमीटर, ये आपकी डायमीटर है, ये आपकी डायमीटर देकर रखी हुई है. दैट मींस इसकी डायमीटर आपको कितनी देकर रखी हुई है? 10 mm, ठीक है. इज मेड ऑफ भाई, दैट मींस इस स्प्रिंग की मीन रेडियस 40 हो गई, और जिस वायर से बनी हुई है उसकी डायमीटर कितनी आपकी? 10 mm. डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन करना है? एक आपको फाइंड करना है शियर स्ट्रेस, एक आपको फाइंड करना है एक्सियल डिफ्लेक्शन, और एक आपको फाइंड करना है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. डायमीटर देख रखी हुई आपने इस, आपको इसे 10 mm किसकी? जिस वायर से आपने इसको बनाया है. डिटरमाइन व्हेन सब्जेक्टेड टू, इसे लिखा हुआ है कि इस पर एक्सियल लोड कितना लगा हुआ है आपका. इस पर एक्सियल लोड लगा हुआ है आपका ये लोड, इस जगह एक्सियल लोड जो लगा हुआ है आपका, ये लगा हुआ है आपका 200 न्यूटन का, ठीक है. एंड इसने आपको शियर मॉडुलस की वैल्यू देकर रखी हुई है. किसकी वैल्यू देकर रखी हुई है आपको? शियर मॉडुलस की. एंड नंबर ऑफ टर्न्स भी देकर रखे हुए आपको इसने. तो हम लिख लेते हैं एक बार वैल्यू, क्या क्या देकर रखा हुआ है आपका. इसने आपको जी मतलब एन या जी या सी, शियर मॉडुलस होता है, अलग अलग उसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है. हम एन यूज कर सकते हैं, बुक में जी भी लिखा हो सकता है, सी भी लिखा हो सकता है. सी बहुत कम जगह लिखा हुआ होता है, शायद बी सी पूर्णिया में सी लिखा हुआ है जितना मुझे याद है, ठीक, मुझे कंफर्म नहीं है. तो 200 न्यूटन्स हो गया आपका. अब देखो हमने एन यूज करा था शियर मॉडुलस के लिए, वो 82 जीपी आपका देके रखा हुआ है, ठीक है. और नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इसने आपको देके रखे हुए हैं 18. कितना देके रखे हुए हैं? 18. कुछ और हमारा डेटा तो मिस नहीं हुआ, ठीक है. अब एक चीज ध्यान से देखना, हम अगर बात करें सबसे पहले शियर स्ट्रेस की, किससे शियर स्ट्रेस कितना है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा शियर स्ट्रेस का अगर मैंने आपको फॉर्मूला रखा था, टॉ इज इक्वल्स टू 16 पी आर अपॉन पाई डी क्यूब. ये शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था किस तरीके से आया था आपका. तो 16 पी आर अपॉन पाई डी क्यूब. अब देखो शियर स्ट्रेस आ रहा है 16, पी मतलब क्या? फोर्स. ये रहा फोर्स आपका, एक्सियल फोर्स या एक्सियल लोड. कितना देकर रखा है आपका? 200 न्यूटन्स. दैट मींस मल्टीप्लाई करते हैं न्यूटन में, जितनी वैल्यू हम न्यूटन एमएम में रखेंगे. अभी आर क्या होती है? ये जो आपकी मीन रेडियस है भाई, डायमीटर से कितनी देकर रखी थी? 80. तो रेडियस कितनी हो गई आपकी? 40. तो मल्टीप्लाई बाय 40, और एमएम में देकर रखा हुआ है पाई. अब जिस वायर से बनी हुई उसकी डायमीटर कितनी है? 10. दैट मींस मल्टीप्लाई बाय 10 का क्यूब. तो फाइनली यहां से आपका एक बार चेक कर लेते हैं, दैट मींस 16 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 40 is equals to divided by 1000 divided by 3.14. तो आपका आ रहा है 40.76. ये आपका स्ट्रेस जो आ रहा है, that means shear stress जो आ रहा है 40.76 न्यूटन पर mm square. एक बार चेक कर लो, गलती तो नहीं है ना, एक सेकंड लेकर चेक कर लो. 40.76, ठीक है. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेकंड हमने एक्सियल डिफ्लेक्शन का, अभी देखो ध्यान से देखना कि जब ये लोड लगा होगा, जब ये लोड लगा होगा तो ऑब्वियसली ये स्प्रिंग जो है आपकी थोड़ी सी कुछ देखो इस तरीके से बांध देते हैं इसको. जब आपने इस पर लोड लगाया होगा तो थोड़ी सी स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आया होगा कुछ इस तरीके से. ये लगा हुआ आपका 200 न्यूटन, ठीक है. तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट, ये रहा ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सियल डिफ्लेक्शन, कि लोड लगने से आपका कितना रोल आ गया. तो अगर कल आप याद से देखो तो कल मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था एक्सियल सेट. अब करते हैं इसका एक्सियल डिफ्लेक्शन फाइंड. तो देखो ध्यान से,
कल मैंने इस केस का आपको एक्सियल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था, कल अपने इसका एक्सियल डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड कर रहा था, बाय यूजिंग कास्टिग्लियानो थ्योरम। कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी भी मेंबर के स्ट्रेन एनर्जी को, अगर मान लो किसी भी मेंबर पर कहीं पर लोड लगा हुआ है, तो उस मेंबर की स्ट्रेन एनर्जी को उस लोड से डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें आपका डिफ्लेक्शन मिल जाता है। तो कल मैंने जो आपको डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, 64 PR³ N / N d4। कैसे फाइंड करा था हमने पहले स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूले में क्या होगा, 32 P² क्या करा था, 32 P², और फिर हमने स्ट्रेन एनर्जी को P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया था, तो जो पी स्क्वायर का 2 होता है वो आगे आता है और ये डिफरेंशिएट होकर 2 - 1 P बन जाता है। ठीक है, तो आपको इसका स्ट्रेन एनर्जी का भी फॉर्मूला याद रखना है, आपको इसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला भी याद रखना है, और मैं फिर बोल रहा हूँ 5-star क्वेश्चन है आपसे, वो ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि इसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कितना है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूं, क्योंकि इसने आपसे एक्सियल डिफ्लेक्शन भी पूछा हुआ है, तो अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूं तो 64 लोड आप रख दो न्यूटन में ही, 200। ठीक है, अब लोड रख दिया आर क्यूब, आर कितना है आपका 40 का क्यूब। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने देकर रखे इसने, आपको नंबर ऑफ टर्न्स आपको इसने देकर रखे 18 × 18 डिवाइडेड बाय n है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी व्हिच इज इक्वल टू 82 GPa। हम सब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रख रहे हैं, तो GPa को भी हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रखेंगे, और 1 GPa होता है 10 की पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सो दैट मींस 82 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया, और स्मॉल e कि भाई जिस वायर से बनाई है उसकी डायमीटर कितनी है 10 इसकी पावर 4 10 की पावर 4। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, यहां से आपके पास जो एक्सियल डिफ्लेक्शन ये आ रहा है, एरर में 64 × 200 × 40 × 40 × 40 × 18 इतना डिवाइडेड बाय 82, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1234, तो मेरा आ रहा है 17.98 mm। मैं एक बार इसको और क्रॉस चेक करूंगा क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी लेंथी है। 64 × 200 × 40 × 40 × 40 × 18 1 2 3 4 5 6 7 17.98। हाँ भाई, अब आपका एक्सियल रिफ्लेक्शन क्या रहा है, 17.98। अब एक चीज आप बहुत ध्यान से देखना, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, एक्सियल डिफ्लेक्शन आ रहा है आपका 17.98। अब लास्ट में इसने आपसे क्या पूछा है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, लास्ट था आपका केस स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ये आपकी स्टिफनेस कितनी है, तो देखो यहां पे लिख लिया होगा, आप लिख लो, इसको मिटा दो, ऊपर वाला मिटा रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, अगर हमने इसको नहीं भी कराता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली फॉर्मूला बेस्ड है, बस ठीक है चलो कर लो कोई बात नहीं। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, तीसरा स्टिफनेस का फॉर्मूला, स्टिफनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय के which is equals to force upon delta, stiffness क्या होता है, force upon delta। ठीक है, अब पता है आपको stiffness की definition भी होती है, stiffness की definition क्या होती है, load require, stiffness की definition सुनना, load require to produce, देखो ये क्या है, ये है आपका load, ये क्या है आपका deflection, वो आपसे क्या पूछता है, stiffness क्या होता है, load require, उस load की value बताओ जो कि यूनिट डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करता हो, ऐसे लोड की वैल्यू बताओ जो एक जिस वो क्या डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, ऐसा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे जिसकी वैल्यू 1 आए, लोड रिक्वायर टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, इट इज डिफाइंड एज द लोड रिक्वायर, भाई वो लोड की वैल्यू बताओ जो यूनिट डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करता हो, विच produces unit deflection, ये structure का portion है, structure में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, it is defined as the load required to produce unit deflection, इसको 1-star दे दो आप, ये definition पूछी जा सकती है कि stiffness की definition क्या होती है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा deflection कितना आ रहा है, 17.98। ठीक है, तो stiffness क्या है आपका, stiffness है k is equals to force, कितना दे रखा है आपको, फोर्स आपको दे रखा है 200 न्यूटन, और जो आपका डिफ्लेक्शन यहां पर आया था वो कितना आया था,
17.98। अब यहां से ध्यान से देखना स्टिफनेस, अब यहां से देखो लोड किसमें आपके न्यूटन में, निचला डिफ्लेक्शन किसमें आपका एमएम में, ध्यान से देखना आप स्टिफनेस क्या थी 200 डिवाइडेड बाय 17.98 इज इक्वल्स टू 11.12 न्यूटन एमएम। ठीक है, ये आपका स्टिफनेस आ चुका है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसको लिख लो आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चालू करते हैं अपना टॉपिक। एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं इसमें आपका, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। इसमें वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो मैं आपको बताता हूं। ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होती है। अब आप ध्यान से देखना एक चीज, ये आपकी ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। क्लोज कॉइल में क्या होता है आपको पता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल्स होती है बहुत पास पास होती है। और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में ये इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। और ये अल्फा क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ हेलिक्स। क्या होता है, ये आपका एंगल ऑफ हेलिक्स। और जिस स्प्रिंग में ये एंगल ऑफ हेलिक्स लेस देन 10 होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज कॉइल। और जिस स्प्रिंग में ये आपका अल्फा, दैट मींस ये जो एंगल आपको दिख रहा है, अगर ये आपका 10 डिग्री से ज्यादा होता है तो ये आपका होता है ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। फिर मैंने आपको चीज बताई थी, ये एक सेकंड यहां पर लोड लगा लो, इस तरीके से ये लोड भी लगा हुआ है आपका, ये पी। ठीक है, सेम वही चीज है कि भाई इस स्प्रिंग की भी कुछ मीन रेडियस आर होगी। सेम वही चीज कि अगर ये आपकी स्प्रिंग है तो इसकी भी कोई मीन रेडियस होगी आर। सेम वही वैल्यू जितनी भी हमने क्लोज कॉइल में करी थी। और ये जो डायमीटर है ये किससे, और ये जो वायर है इसके डायमीटर कितना आपके, स्मॉल डी, जिससे स्प्रिंग आपकी बनाई गई। तो मैंने आपको चीज बताई थी कि क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में ओनली टॉर्जन होता है, और टॉर्जन के चक्कर में जो स्प्रिंग के अंदर डेवलप होता है वो शियर स्ट्रेस होता है। बट इस केस में आपका बेंडिंग भी होती है, क्या होती है आपकी बेंडिंग भी होती है, एंड सेकेंड इसमें आपका टॉर्जन भी होता है या ट्विस्टिंग भी होती है। बेंडिंग की वजह से जो डेवलप होगा वो होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, और टॉर्जन की वजह से डेवलप होगा वो आपका शियर स्ट्रेस। तो क्या होता है कि अभी तक हमने क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में ओनली शियर स्ट्रेस को कंसीडर करा था, इसमें हम आपका शियर स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस भी कंसीडर करेंगे। सबसे पहले वो आपसे कुछ ही नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि भैया मुझे ये बता दो कि इस स्प्रिंग का एक्सियल डिफ्लेक्शन कितना है। क्या पूछेगा वो आपसे कि इस स्प्रिंग का एक्सियल डिफ्लेक्शन बता दो। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, कोई डेरिवेशन याद मत करना इसका। 64 ध्यान से देखना, पी आर क्यू एन सेक अल्फा नीचे स्मॉल डी की पावर 4। अब ध्यान से देखो, ठीक है ध्यान से देखते रहना आप, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में शियर मॉडुलस, इसको मैं बिठा देता हूं, प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दैट मींस ओपन कॉइल के केस में जो एक्सियल रिफ्लेक्शन होता है, अगर वहीं पर मैं आपसे बात करूं कि क्लोज कॉइल के केस में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डेल इक्वल्स टू 64 पी आर क्यूब एन अपॉन कैपिटल एन डी 4। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट ये किसके लिए, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के लिए। बट जैसे ही आपकी ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग बन गई, तो इसमें आपको देखो, ये आपने शियर स्ट्रेस, ये आपने शियर का रोल, शियर मॉडुलस एंड यंग मॉडुलस। तो बेंडिंग के केस में कौन रोल में आता है, यंग मॉडुलस। और आप